Which of the following has the highest packing एफिशिएंसी? इनमें से किसका पैकिंग एफिशिएंसी हाईएस्ट है? पहला सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लैटिस HCP का। तो इसका मैंने बोला डाटा आपको याद ही रखना है। तो ये याद रखो, मैं टेबल बना देता हूँ, यूनिट सेल और पैकिंग एफिशिएंसी, ये टेबल याद रखना, पैकिंग एफिशिएंसी। तो अगर यूनिट सेल SCC है, सिंपल क्यूबिक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होती है। अगर वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, या यहाँ पे क्वेश्चन में HCP दिया हुआ है, दोनों की सेम होती है, दैट इज 74%। तो ये डाटा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड जिसका एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक रेडियस, जिसका एटॉमिक रेडियस है 0.144 नैनोमीटर, क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC में वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। वॉट इज द एज लेंथ, वॉट इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द सेल? तो सेल का एज लेंथ पूछी है आपसे, कौन सा दे रखा है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC। FCC में आप जानते हो कि कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स आपस में टच करते हैं। तो हम डायग्राम एक बार फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। ये जो एक ही फेस के ऑपोजिट कॉर्नर्स को टच करती है जो लाइन, उसको हम फेस डायगोनल बोलते हैं। फेस सेंटर में एटम जो फेस सेंटर पे होता है और जो कॉर्नर पे होते हैं वो आपस में टच करते हैं। एक का रेडियस R है, और अगर इसकी एज लेंथ A है तो ये जो डिस्टेंस होगा, जो डायगनल होता है, डायगनल इज इक्वल टू √2 times a, और दिस इज इक्वल टू 4R। तो हम लिख लेते हैं फॉर FCC यूनिट सेल एटम्स एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर
टच ईच अदर, सो अंडर रूट टू ए इज इक्वल टू फोर आर. रूट टू ए फोर आर के इक्वल होता है. रूट टू ए इज इक्वल टू फोर आर, वेयर ए इज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड आर रेडियस ऑफ एटम. आर क्या है? एटम का रेडियस है. तो जो ए होगा दैट इज इक्वल टू टू रूट टू आर. सो टू रूट टू इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 0.144 नैनोमीटर. सो दिस विल बी 0.407 नैनोमीटर्स.